इंदौर से धार रोड स्थित चौबीसराम फाउंटेन हाई सेकेंडरी स्कूल ने कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े अपने स्कूल के सभी बच्चों की फीस माफ कर दी है। स्कूल के करीब 1700 बच्चों के अभिभावकों ने प्रबंधन के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रबंधन को धन्यवाद दिया। बाड़ी चौबीसराम फाउंटेन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज वेरिटेबल ट्रस्ट श्रीराम तलावली धार रोड इंदौर के प्रबंधन ट्रस्टी अश्विनी वर्मा ने बताया कि कोरोना काल में अभिभावकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चौबीसराम फाउंटेन हाई सेकेंडरी स्कूल के समस्त विद्यार्थियों की शैक्षणिक फीस माफ की जाए और अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। वहीं इस फैसले में इंदौर के सभी करीब 1700 बच्चों की फीस माफ की गई है, जो जब तक स्कूल नहीं खोलेंगे तब तक नहीं ली जाएगी। कोविड-19 के कारण और अधिकतर किसानों की फसलें खराब होने के कारण बोर्ड मीटिंग में लिया गया यह निर्णय के बाद निश्चित ही अभिभावकों को राहत मिल सकेगी। बैठमा से संवाददाता की रिपोर्ट। चौबीसराम स्कूल जो मैं बच्ची का मैंने एडमिशन करवाया है दोनों बच्ची का, तो हम लोगों ने कुछ फीस भी जमा कर दी थी, तो कुछ अभी यहाँ के चौबीसराम स्कूल के कर्मचारी और बड़े अफसर उन्होंने डिसाइड करा कि इस साल फीस बच्चों की माफ़ कर दी जाएगी। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं कि चलो इस साल पढ़ाई हो भी रही है और फीस माफ़ है, तो जो भी फीस रहेगी वो अगले साल जब से स्कूल स्टार्ट होगी उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो हम लोग बहुत खुश हैं, अच्छा ये लोग निर्णय लिए और बढ़िया लिए। जो चौबीसराम फाउंटेन विद्यालय है हमारा, विगत 30 वर्षों से क्षेत्र में तकरीबन 40 बच्चों गाँव के बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहा है, बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर पढ़ा रहा है। पर अभी कोरोना काल में देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके पालक लोगों के पास नौकरी नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं पीतमपुर में या घाटा बिल्लोद में, या कुछ बच्चों के पेरेंट्स किसान हैं और इस बार सोयाबीन की फसल इस क्षेत्र में काफ़ी ख़राब हुई है, तो वो लोग फीस देने में असक्षम थे। तो हमारा एक बोर्ड का डिसीजन हुआ, चौबीसराम फाउंटेन ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने डिसाइड किया गया कि जब तक कोरोना काल है उतने समय तक हम लोग बच्चों से कोई भी तरह की किसी भी तरह की फ़ीस नहीं चार्ज करेंगे। और ये जो एक बहुत ही सराहनीय डिसीजन रहा हमारे बोर्ड का, और पालक गण और बच्चे काफ़ी खुश हैं इस डिसीजन से। सर ये कितने बच्चों का करीब हुआ है? तकरीबन 1750 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, और इन 1750 बच्चे केजी क्लास से लेके क्लास 12 तक हमने टोटल जो फीस है माफ़ कर दी है। अच्छा अच्छा, तो ये कब तक के माफ़ किया आपने? ये जब तक कि सरकार का आदेश नहीं आएगा स्कूल रीओपन होने के लिए। अगर सरकार बोलती है कि नवंबर तक स्कूल बंद रखना उसके बाद चालू करना, तो नवंबर के बाद में ही फीस लगेगी। ओके सर, आपका नाम और पद बताओ। मैं अश्विनी वर्मा हूँ, मैनेजिंग ट्रस्टी चौबीसराम फाउंटेन ट्रस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।